गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देवस्या इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड रिमेंबर द लास्ट टाइम वी हैड कंप्लीटेड द क्वेश्चन 7 फर्स्ट क्वेश्चंस। लेट मी रिकॉल टू यू, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट टाइम। सो दिस टाइम वी विल डू दिस सम्स, क्वेश्चन नंबर 8, देन 9, देन 10। सो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस अप टू हियर। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। This is a second questions. Here, this is a square box is given. Here is a, you could see some numbers is written. This is your row or this is your column. So as we had done the last time, the same way we will do in this question. We will do the addition of 1, minus 10, 0. 1, minus 10, 0. You will get minus 9. Minus 4, minus 3, minus 2. Minus 4, minus 3, minus 2, you will get minus 9 after adding all these terms. Minus 6 plus 4 minus 7. Minus 6 plus 4 minus 7. 7 plus 6, it would be 13. 13 plus 4, so you will get minus 9. Then sum of each column. अब इस बार हम इस तरह से सबका addition करेंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो कॉलम देखेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 6, 1 माइनस 4 माइनस 6, सो इट वुड बी माइनस 10 प्लस 1, फाइनली माइनस 9। नेक्स्ट देखेंगे, माइनस 10 माइनस 3 प्लस 4, माइनस 10 माइनस 3 प्लस 4, सो इट वुड बी 13, 13 प्लस 4 माइनस 9। 0 माइनस 2 माइनस 7, 0 माइनस 2 माइनस 7, सो यू विल गेट माइनस 9। तो कॉलम का भी क्या हुआ, सब आंसर क्या आया हमारे पास, 9 आया। नाउ वी विल सी द डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको डायगोनल बोलेंगे। 1 माइनस 3 माइनस 7, 1 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 9, माइनस 6 माइनस 3 0, दिस वे माइनस 6 माइनस 3 0, माइनस 6 माइनस 3 0, सो यू गेट माइनस 9। तो यहाँ पे हर तरह से हमने देखा सम कितना आ रहा है, माइनस 9, तो ऑल सम्स आर इक्वल टू दैट इज माइनस 9, सो इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन था, दो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट इज रिटर्न, इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई दिस इक्वल टू दिस। इसको स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, क्योंकि ये दाएं साइड लिखा है इसलिए RHS कहते हैं इसको, और ये बाएं साइड है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसको। वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए इक्वल टू 21, बी इक्वल टू 80, और हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो हमारे पास वेरीफिकेशन के लिए दिया है वो राइट है कि नहीं, ठीक है। तो चल लेट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग ब्लू पेन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ई वाला टर्म है, ए माइनस माइनस। अब इसके अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, 21 रख देंगे, माइनस या भी माइनस, बी की वैल्यू 8। नाउ दिस माइनस गोज इनसाइड, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट प्लस। सो हियर 21 दिस माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये दोनों प्लस हो जाएगा। सो नाउ यू विल गेट 39, ठीक है। अब हम देखते हैं RHS, देखेंगे राइट हैंड साइड RHS, यहाँ देख लेते हैं RHS में देखेंगे क्या दिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी इन RHS। चलो स्टार्ट करते हैं ए की वैल्यू में, ए की वैल्यू हमारे पास 21 है और बी की वैल्यू क्या है, 18। नाउ ऐड देम सो यू विल गेट 39। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू क्या है, सिंपल है, तो 39 दैट इज इक्वल टू 39 एंड दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज़ फ्रॉम
right hands. Hands verified. Verified कर दिया. क्या verified किया students? This statement. A minus minus B equal to A plus. This is the first question. अब हम students करेंगे second वाला, ठीक है? Okay. This is now second questions. A equal to 118 and B equal to 125. हमको verify क्या करना है? We will write left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में हमको वेरीफाई करना है ए माइनस माइनस बी. नाउ ए वैल्यू इज 118, साइन विल कम माइनस माइनस एज इट इज. बी की वैल्यू क्या है? 125. नाउ माइनस माइनस विल बी कम प्लस, जैसे कि पहले भी हमने एक बार लास्ट क्वेश्चन में किया था. नाउ यू हैव टू ऐड दैट 8 प्लस 5 30, 1 कैरी और 12 टू द 20, सो 243. नाउ आरएचएस देखेंगे, हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे. दैट इज व्हाट ए प्लस, ए की वैल्यू क्या है? 118. बी की वैल्यू क्या है? 125. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ दिस टर्म्स 243. Understood? So what we have observed here, we have observed 243, that is equal to 243. What does it mean? Left hand side, that is equal to right hand side. Hence verified A minus minus B equal to A plus. Students, third and fourth, these two questions will be in your homework. Now I'm doing question number 9. What is the questions? Use the sign of greater than, less than or equal in the box to make the statements true. हमको यहाँ पे sign place करनी है कि कौन सी sign आएगी. इसके students, ये हमारा left hand side है और ये हमारा राइट हैंड साइड. इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग बाद में हम आंसर लिखेंगे. तो इस साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज व्हाट माइनस 8 प्लस माइनस 4. इफ यू सॉल्व देम यू नो बेटर. माइनस 8 हियर विल कम माइनस 4, सो फाइनली इट विल बी 12. नाउ गो फॉर आरएचएस. This is called RHS. Minus 8, minus and then minus 4. Okay, now what? Minus 8 remain here. Minus minus will become 4. So it will be minus 4. RHS kya hoga hamara? RHS hoga minus 4. Yahan pe LHS kya ho gaya? Minus 12. Now if you compare both, here will be minus 12. And here is a minus 4. So you know better which sign will come here. It here comes sign, this sign. So I am going to draw with the this. This is called the fill in the blank. So here you will put the sign, this one. Okay. Now I am writing the second questions. What is the second question? Let me see. Now B question, that is given. Minus 3 plus 7 minus 19 in bracket. Okay, then there is a box. In that 15 minus 8 plus minus 9. So again we will solve the same manner. Here I will write left hand side. Left hand side में हम देखेंगे क्या दिया है. Minus 3 plus 7
minus 90. If you solve them, this both will add minus 3 and minus 90. So what I am doing, 7 यहाँ पे लिख देता हूँ. On adding of them, you will get 22. Now you have to subtract, so you will get minus 50. Now go for RHS. RHS में हम देखेंगे कैसे करें. See, I am writing the question. 15 minus 8 plus minus 9. Now, 15 आपको वैसे ही रखना है. माइनस एट वैसे रखना है. प्लस माइनस ऑलवेज विल बी माइनस. प्लस माइनस ऑलवेज विल बी माइनस. नाउ माइनस माइनस दिस टर्म विल बी एडेड. सो 15 माइनस 70. इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट माइनस 2. सो नाउ माइनस 15 एंड माइनस 2. So you know better which sign will come here. Minus 2 is greater, right? Minus 2 is greater. So what you will write? You will write यहाँ पे left hand side जो है वो कम है, right? Compared to उसके. अब हम लोग ये वाली sign कहाँ place करेंगे? यहाँ place करेंगे. Okay? Done. Now we will do the next, that is C. Okay students, this is our C questions. Again, you will write left hand side. What are the values given? 23 minus 41 plus 11. If you solve them, 23 or plus 11 करो, 3 plus 1 4 and 2 plus 1 3. So 34 minus 41, right? Now if you simply them, you will get minus 7. Go for right hand side. If you see right hand side, you will get 23 minus 41 minus 11. So 23 remain as it is, minus 112 and 4 plus 1 5. So it will be 52. Now what you need to do, you have to do the subtraction. 12 minus 3, so it will come 9. What about here? Now one carry goes unit place, so it will be 12. Now here is remaining 4. 4 minus 2, it will be 2. Minus 29. Now look at here. Here is minus 7. And here is what? Minus 29. Student, now you know very well which sign will come here. Minus 7 is greater than minus, so this sign will come. Okay, this will be your sign. So I'm going to let this. This is greater. Okay, now D questions. We will solve now D questions. What is D questions? 39 plus minus 24 minus 50. And this is your complete box. Connected here, 36 plus minus 52 minus minus 36. Okay. Now solve them. Here LHS you have to find and HS. 39 plus minus 24. Minus 50. Solve them. 39 as it is, it will be minus 24 and minus 50. Okay, 39 minus 39. So it will be 0. Now go for RHS. What is written? 36 plus minus 52 minus and then minus 36. Questions. Now if you solve them, you know here will be 36, it will be minus 52 minus minus plus 36. So finally 36 it will be 72 minus 52.
If you subtract that, you will get 20. So here is a 2 and here is 10. So you know which sign will come here. Here will come this sign. So you could write now this way. Okay. Now E. E will be in your homework. E to question says students. It will be in your homework. In HLF. Do your set. Now question number 10 students. इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन. सो हम लोग इसको आप आराम से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. ये हमारा क्वेश्चन है. एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने क्वेश्चन बैक साइड में लिखा है और सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है. अब क्वेश्चन है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन है, ये हमारे पास बुक देख सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे. ये हमारी बुक्स है और ये है मंकी. और अ वाटर टैंक हैज़ अ स्टेप इनसाइड. पानी इसके यहाँ से एकदम नीचे लेवल में पानी है. अब मंकी सीटिंग ऑन द टॉप मोस्ट. सबसे ऊपर वाले में मंकी यहाँ बैठा हुआ है और उसे नीचे पानी पीने के लिए जाना है, ठीक है. ये सिचुएशन है. और जो टोटल जो हमारे पास स्टेप हैं वो 9 है और 9 के बाद ही पानी आता है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स. ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप. इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल. तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और हम लोग इसको अच्छी तरह से सिंपल वे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सम को. तो पहले सबसे पहले हम स्टेप्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पहला स्टेप्स हो गया आपका, ये हमारा दूसरा स्टेप्स हो जाएगा, ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा, ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा 6, उसके बाद ये हमारा 7, उसके बाद ये हमारा 8, उसके बाद ये हमारा 9. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पानी भरा हुआ है. मैं आपको यहाँ पे क्या है, ये है आपका सी वाटर, ठीक है. ये आपका सी वाटर है और मंकी कहाँ बैठा हुआ है, आपका मंकी यहाँ पे है. तो मैं इसके स्टेप लिखता हूँ. ये हमारे पास पहला स्टेप, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, 6 स्टेप, 7, 8 और ये 9. इस स्टेप तक उसको जाना है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है. यहाँ जैसे पहुँचता है तो उसको पानी मिल जाएगा स्टूडेंट्स. थोड़ा सा मुझे और भी इसको थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा क्योंकि 9 स्टेप यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारे पास पानी टच करना चाहिए. चलिए स्टूडेंट्स, जो जंप होगी उसको मैं जे से डिनोट करूँगा, ठीक है. तो पहला हमारा मंकी यहाँ पर है, ठीक है. समझते इसको थोड़ा सा अलग इसका पेन ले लेते हैं. ये पेन का यूज़ करूँगा मैं जंप के. स्टूडेंट्स पहला मंकी यहाँ पे है अपना, ठीक है. हमारा मंकी यहाँ पे है और फर्स्ट सेकंड थर्ड वो 3 जंप नीचे कर 3 स्टेप्स डाउन जाता है. तो स्टूडेंट्स वो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा. यहाँ सा पहली जैसे जंप मारा उसने तो यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा. तो इसको मैं ऐसे शो करता हूँ. इनसे जंप मारा और कहाँ पे आया, ये फोर्थ नंबर की स्टेज पे आया. उसको मैं बोलूँगा J1 स्टेप उसने मारा, ठीक है. बैक वालों को मैं ब्लैक से दिखाऊंगा, ठीक है. बैक वाला जो करना है मैं ब्लैक से जंप दिखाने वाला हूँ, ठीक है. अगर जंप्स बैक 2 स्टेप्स आप, अब 2 स्टेप ऊपर चला जाता है स्टूडेंट्स. तो 1 2 कहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ पहुँचेगा, ठीक है. तो यहाँ से ये फोर्थ पे था, कहाँ पहुँचा, सेकेंड पे पहुँचा. तो इस तरह से मैं शो की इसको कौन सी जंप है, ये इसकी काउंट की जाएगी J2, है ना. ये कौन सी जंप है, J2 दूसरे नंबर की जंप है, राइट. और फिर थर्ड, फिर से वो 3 स्टेप आगे जाएगा. तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, 1
दो तीन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते फटाफट। यहाँ से उसने जंप मारी, कहाँ तक जाएगा, ये पूरा यहाँ पर पहुँचा, इसको बोलेंगे जे टू, जे थ्री। ये कौन सी जंप थी, जे थ्री वाली जंप थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से वो दो स्टेप आगे जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे फिफ्थ है, ये फोर्थ, ये थर्ड, तो कहाँ पहुँचेगा, थर्ड पे पहुँचेगा स्टूडेंट्स। थर्ड से ये सिक्स के सामने हम थे, कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे फिफ्थ पे, तो एक हो, ये हमारा जंप था, ये अन्य से बन गया। इसको हम कौन से बोलेंगे, जे थ्री के बाद ये है आपका जे फोर, जे फोर, ठीक है। तो अब आप कहाँ पे आए, ये थर्ड वाले पे हम पहुँचे जे फोर। इस थर्ड से अब हम फिर से जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जे फोर, अब जे फाइव के लिए। तो यहाँ पे हो आप, एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप, यहाँ पे आप पहुँचोगे राइट। तो यहाँ पे आपको इस तरह से शो कर लेना है, और यही आपका जे फोर के बाद जे फाइव वाला स्टेप है, फिफ्थ स्टेप आपका ये है। आप दो और फिर ऊपर चला जाता है, तो एक और दो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, वो यहाँ पे आ जाए। ब्लैक से करेंगे, ऊपर जाने वाले को हम ब्लैक से शो करेंगे, ये ब्लैक से ये हम लोग कहाँ गए, ऊपर गए। तो जे फाइव के बाद ये कौन सा नंबर आएगा, ये आएगा आपका जे सिक्स है, ठीक है। चलो तो अब आप कहाँ पे हैं, आप हैं फोर नंबर पर राइट। अब फोर से हम लोग एक दो तीन इस स्टेप पे आएंगे राइट। तो ये यहाँ से आप इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हम लोग पहुँचे यहाँ सेवन स्टेप पे हम लोग पहुँच गए। और ये जंप कौन सा होगा, जिस जे सेवन के बाद ये कौन सा आएगा, जे सेवन आएगा, सेवन सेवन। उसके बाद फिर से दो स्टेप ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फिर तो पहुँचेंगे राइट। तो दो स्टेप हम लोग नीचे आते हैं और कहाँ पहुँचेंगे, देखिए यहाँ इसने जंप मारा राइट। तो जे सेवन के बाद ये जंप कौन सी होगी, ये होगी जे एट। अब स्टूडेंट वो कहाँ पे है, यहाँ से आप पहुँचे, यहाँ से एक दो स्टेप आप ये पहुँच गए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ के बाद आप कहाँ जाएंगे, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एट स्टेप पे आ जाएंगे हम लोग, और कहाँ पे हैं अभी, फिफ्थ पर है, ऐसे से कर लेते हैं। और नाउ ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, जे एट हो गया, ये हो गया आपका जे नाइन, जे नाइन। आप एट से आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिक्स पे जाएंगे, तो सिक्स पे चले जाइए यहाँ से, यहाँ से आप हाँ दो स्टेप ऊपर चले जाएंगे, दो स्टेप ऊपर चले, ठीक है, कहाँ पे पहुँचे, सिक्स पे पहुँचे। अब उसके बाद ये जंप कौन सा काउंट होगा, तो ये जंप होगा आपका नाइन के बाद, क्या होगा, जे टेन हो जाएगा राइट। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे हैं, सिक्स पे हैं, एक दो तीन, नेक्स्ट जंप जब वो लगाएगा कहाँ पे होगा, वो लास्ट इस पे होगा, ये होगी जे इलेवन वाली स्टेप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से पूरा हमारे पास प्रोसीजर बनेगा। अब हमें इसको लिखना है, ठीक है, सो हाउ विल यू राइट, लिखेंगे हम लोग कैसे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, देखेंगे इसका किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट जंप क्या थी, J1 थी, ठीक है। पहली जंप क्या थी हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमारे स्टेप, पहले जंप कहाँ पे आए, फोर पे आए थे। पहले जंप इज एट, लिखोगे इज एट विच स्टेप, फोर्थ स्टेप, पहले हमारी कौन थी, और हमने इसको डाउन में की थी, तो इस तरह से डाउन में आपको शो करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो जंप थी वो जे टू वाली जंप, ऐसे ये जे थ्री आएगा, ऐसे जे फोर आएगा, जे फाइव आएगा, जे सिक्स आएगा, जे सेवन आएगा, जे एट आएगा, जे नाइन आएगा, जे टेन आएगा, और जे इलेवन। यहाँ पे हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जंप, सेवन्थ,
एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, जंप, जंप, एक साथ लिखते हैं, ठीक है? पहले हम फोर्थ पे आए, फिर हम दो स्टेप ऊपर गए, तो फोर्थ के बाद हम लोग एक दो वहाँ पे पहुँचे, सेकंड स्टेप पे पहुँचे, ठीक है? फिर हमने क्या किया, एक दो तीन स्टेप नीचे आए, तो कहाँ पे आए हम लोग, फिफ्थ स्टेप पे, फिफ्थ स्टेप पे कहाँ आए थे, डाउन चल के डाउन में आए। फिर हमने फिफ्थ पे आने के बाद हम कहाँ चले गए, थर्ड स्टेप, थर्ड पे चले गए ना, एक दो तीन पे आ गए, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप आ गए, हुआ क्या, ऊपर चले। थर्ड के बाद एक दो तीन, सिक्स या किस पे आ गए, सिक्स स्टेप पे आ गए, ठीक है? हमने कहा नीचे उतरे, फिर कहाँ आ गए हम लोग, फोर्थ स्टेप पे, ऊपर चले गए दो स्टेप, ठीक है? और फिर हम तीन स्टेप करके हम किस पे आ गए, सेवन्थ स्टेप पे, राइट, सेवन्थ। हाँ, हम लोग दो ऊपर चले गए, तो किस पे पहुँच जाएंगे, फिफ्थ स्टेप पर हम लोग पहुँच गए, राइट। हम लोग कहाँ गए, ऊपर गए। और फिफ्थ से हम लोग कहाँ आएंगे, थ्री स्टेप, एट्थ स्टेप पे आ जाएंगे। हम लोग कहाँ पे आएंगे, एट्थ स्टेप पे पहुँच गए। क्या हुआ, अब नीचे आए, राइट। फिर कहाँ पहुँचे, दो स्टेप पूछे, हाँ, फिफ्थ से हम एट्थ पे आए, अब एट्थ से हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, सिक्स पे पहुँचेंगे, सिक्स स्टेप। अब क्या करना है, ये हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग ऊपर साइड पहुँचे, हम तीन जंप मारेंगे तो कहाँ आएंगे, नाइन्थ स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब इज एट, ये वाला हम लोग कॉमन लगा देंगे, इज एट। सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? इस तरह से हम फर्स्ट वाला काम करेंगे। Okay, so we have completed this first question. Now, friends, we will do the now second questions. Okay, let's start. Friends, समझते हैं इस question को, कह रहा है। After drinking water, he wants to go back. For this, he jumps four steps up and then jumps back two steps. तो यहाँ से start करेगा ये, और इससे क्या करेगा, ये क्या करना है, he wants to go back. For this, he jumps four steps up. यहाँ से चार steps up जाएगा, ठीक है? तो फिर से अब पहले कंप्लीट से दिखाएंगे। यहाँ पे था एक दो तीन चार, है ना, तो वो फोर स्टेप्स अप जाएगा, और इस साइड वन टू थ्री एंड फोर, तो यहाँ से मैं इस तरह से उसको शो कर, ठीक है? ये हमारा नाइन, हमारा स्टेप है, ये वाला नाइन्थ वाला स्टेप है, इसको मैं बोलूँगा जंप फर्स्ट, पहले जंप उसने लगाया, ठीक है? इस फर्स्ट जंप में वो कहाँ पहुँचा, वहाँ पर पहुँचा, ये फर्स्ट जंप उसकी है, ठीक है? उसके बाद पूरे ही जंप्स फोर स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक टू स्टेप्स डाउन, तो यहाँ से एक दो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? वो आएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से डाउन आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ये आपकी जे वन, ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जे टू, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है कहाँ पे, वो सेवन पे है, एक दो तीन चार यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये आएगा आपका यहाँ पे, कौन से वाले स्टेप पे, यहाँ इस तरह से, तो ये कितने स्टेप गया, जे टू, अभी हो गया जे थ्री, थर्ड जंप मारे, अब दो स्टेप नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से थर्ड पे एक और दो यहाँ पे आएगा फिफ्थ वाले पे, ठीक है? उसको मैं ऐसे शो कर, ये उसकी जंप कौन सी होगी, ये होगी इसकी फोर्थ जंप होगी, राइट। उसके बाद अब फिफ्थ से फिर से वो एक दो तीन चार यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है? और यहाँ से पहुँचेगा इस लाइन से, ये पूरी ऐसी लाइन को हम लोग मैच कर, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि ये स्टेप्स तो हमारे यही है, यहाँ पे वो पहुँचा, ये ना यहाँ पर पहुँच जाएगा, और इसको बोलेगा जे फाइव, इसकी जंप कौन सी है, ये जे फाइव,
ठीक है फ्रेंड्स। और ये थी इसकी, ये इसकी स्टेप्स, इनको हम लोग बोलेंगे स्टेप्स। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप पे कहाँ जे फाइव में वो पहुँच गया है, ठीक है। चलो उसको समझते हैं लिखने के स्टूडेंट्स, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। पहले हमने क्या किया, हम लोग नाइन्थ स्टेप पे थे, है ना। तो हमने इसको जिस तरह से समझा उसको हम लिखते, फर्स्ट जंप उसको हमने J1 का नाम दिया, और इस कहाँ पे पहुँचा वो फिफ्थ स्टेप पे पहुँचा, ठीक है। और इसने कैसा किया था, ऊपर साइड ही गया था। फिर यहाँ पे सेकेंड जंप को हम लोग क्या बोलेंगे, J2। इस सेकेंड जंप में कहाँ पे आ गया, वो सेवन्थ स्टेप पे आ गया था। फिर थर्ड जंप देखेंगे, थर्ड जंप में हम देख सकते हैं थर्ड जंप क्या था, J3। इस कौन से स्टेप पे है J3, अब देखोगे वो आ जाएगा थर्ड स्टेप पे आ जाएगा, ये आप गया था। फोर्थ जंप के बारे में बात करेंगे, इस वो कौन से स्टेप पे होगा, फिफ्थ स्टेप पे पहुंचा था, ठीक है, में चला जाएगा। देन फिफ्थ स्टेप में आप बात करोगे J5 फिफ्थ पे था, कहाँ पहुँचा, सीधा फर्स्ट स्टेप पे पहुँच गया, ठीक है। सो दिस वे ही विल रीच ऑन द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन अभी हम बाकी रखते हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। और इफ़ यू स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल हाउ टू डू, देन यू कैन योर सेल्फ डू दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर हम इसको स्टॉप करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।